दोस्तों अगर आपका भी पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा पैसा वापस नहीं आएगा तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत अकाउंट में ट्रांसफर किया गया पैसा 100% में से 94% लोगों का वापस आ जाता है, जबकि 6% लोगों का पैसा वापस नहीं आ पाता है। और 6% लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कंप्लेंट ही नहीं करते, वह इस उम्मीद में रहते हैं कि अपने आप हमारा पैसा अपने बैंक में वापस रिफंड हो जाएगा। भाई ऐसा तो सोचना भी मत कि अगर आपने गलत ट्रांजेक्शन किया है और बिना कंप्लेंट किए बैंक आपका पैसा वापस रिफंड कर देगा। तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है आप अपना पैसा वापस रिफंड कैसे मंगा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बैंकिंग से रिलेटेड 3 वीडियोज बनाए हैं जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और वो टॉप 1 पर रैंक कर गई। उन वीडियोज को लाखों लोगों ने देखा और हजारों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि उनका पैसा जो है गलती से गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैसा वापस रिफंड पाने के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कैसे करें और कस्टमर केयर से बात करने पर कौन कौन सी चीजें आपको पहले ही करके रख लेनी चाहिए, गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किन गलतियों की वजह से होता है और कंप्लेंट करने के बाद कितने दिनों में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस रिफंड किया जाता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, यह वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई इंट्रो के। आपका पैसा गलत अकाउंट में किस गलती की वजह से ट्रांसफर होता है? आप ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम अगर अकाउंट का एक डिजिट भी गलत डाल देते हो तो आपका पैसा गलत खाते में जा सकता है। इसीलिए पेमेंट करते टाइम अगर आप अकाउंट नंबर डाल रहे हैं तो अकाउंट नंबर को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही IFSC कोड भी सही होना चाहिए। UPI के जरिए यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप UPI ID या फिर मोबाइल नंबर अच्छे से चेक कर लें। और हाँ, अगर आप कोई बड़ा पेमेंट कर रहे हो तो पहले एक छोटा अमाउंट डालकर चेक कर लें, जैसे कि 1 रुपए, 5 रुपए। अगर पैसा रिसीवर के पास सक्सेसफुल पहुंच जाता है तो आप एक बड़ा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब बात आती है गलत जगह पर पैसे ट्रांसफर आपके हो गए हैं तो उसे वापस रिफंड कैसे लाया जाए। वैसे तो रिफंड लाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैंने कुछ ऐसे तरीके ढूंढ के निकाले हैं जो कि आपका रिफंड जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने के बाद आपको जो है एक मैसेज आता है, और फिर अगर आप उस मैसेज को खोलोगे तो आपको जो है हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा गलत जगह पर ट्रांसफर हो गया है तो आप बिना टाइम बर्बाद किए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात नहीं बनती है तो आप जो है अपने बैंक के कस्टमर केयर के भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले आपको अपने अकाउंट की डिटेल जैसे कि अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, ट्रांजेक्शन आईडी या फिर UTR नंबर साथ रखें। ट्रांजेक्शन आईडी या फिर UTR नंबर आपने जिसको ऑनलाइन पेमेंट किया है उसकी हिस्ट्री में मिल जाएंगे। आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो आपसे तमाम डिटेल मांगी जाएगी। और हाँ, सभी बैंकों के कस्टमर केयर नंबर मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। कस्टमर केयर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप एक एप्लीकेशन बनाकर अपने बैंक को ईमेल सेंड कर सकते हो। ईमेल का प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ईमेल करना है। दरअसल इससे होगा ये कि अगर आपका अकाउंट और रिसीवर का अकाउंट एक ही बैंक में होगा तो बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर देगा और रिसीवर को कॉल या ईमेल करके इसकी जानकारी देगा। अगर रिसीवर पैसे देने के लिए मान जाता है तो बैंक आपको 7 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके बैंक में वापस रिफंड कर देगा। और अगर रिसीवर पैसे देने के लिए मना कर देता है तो आप कानूनी सहायता से कोई भी एक वकील हायर करके उसे एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। सीधे तौर पर कहे तो आप उसके ऊपर कैच करवा सकते हैं, जिससे बड़े आराम से आपका पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिना केस किए भी 98% लोगों का पैसा वापस मिल ही जाता है। अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो आप तुरंत बैंक जा सकते हो। बैंक में जाना चाहते हो तो याद रखिए आपको अपने अकाउंट डिटेल और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री साथ में लेकर जानी है। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी होगी, उसके बाद जो है मैंने जो प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस वहाँ पर किया जाएगा। How to make online complaint? तो दोस्तों ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आपने UPI जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि के जरिए पेमेंट किया है तो आपको जाना है गूगल क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है www.npci.org.in पर। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक वेब पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन कंज्यूमर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने और ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन UPI कंप्लेंट पर क्लिक करना।
करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने पूरा का पूरा कंप्लेंट फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो भरना है वह यह है कि अगर आपने किसी आदमी को पेमेंट किया है तो पर्सन टू पर्सन, अगर आपने किसी दुकानदार को पेमेंट किया है तो पर्सन टू मर्चेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैंने किसी आदमी को पेमेंट किया है तो मैं पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको आ जाना है थर्ड वाले ऑप्शन पे। ये ऑप्शन आपको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना होगा। इस वाले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है अनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट। आप यहाँ साइड में लिखा हुआ भी देख सकते हैं, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कमेंट का। कमेंट में आपको टाइप करना है मैं किसी को पेमेंट कर रहा था और गलती से गलत यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर जो है पेमेंट हो गया। जो कमेंट मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है उसकी खाली जगह को भरकर भी आप काम चला सकते हैं। अब बारी आती है ट्रांजेक्शन आईडी की। ट्रांजेक्शन आईडी आपको उस एप्लीकेशन में मिलेगी जिस एप्लीकेशन में आपने पेमेंट किया था। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहां पर आपको जो है हिस्ट्री के अंदर ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये फोन पे है और यहां पे कोने में हिस्ट्री का ऑप्शन है। आपको यहां पे सिलेक्ट करके जिसको आपने गलती से पेमेंट कर दिया है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े ही आराम से उसकी ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद सिंपली आपको आईडी कॉपी करनी है और वापस अपने वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसके बाद अगले वाले ऑप्शन में आपको बैंक सिलेक्ट करना है, कौन से वाले बैंक में आपका अकाउंट है। मैंने अपना वाला बैंक सिलेक्ट कर लिया। आपका जिस बैंक में अकाउंट है आपको वही बैंक सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा वीपीआई यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको UPI ID चिपका देनी है। UPI ID आपको फोन पे या फिर किसी और एप्लीकेशन जो भी आप इस्तेमाल करते हो वहां पर आपको मिल जाएगी। फिर आपको आपकी UPI ID यहां पर डाल देना है। फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा अमाउंट का, यानी कि आपने जो है कितना पैसा गलत ट्रांजेक्शन कर दिया है। आपने जितना पैसों का गलत ट्रांजेक्शन किया है आपको यहां पे वो डाल देना है। तो मैंने जो है मान लो 500 रुपए का जो है गलत ट्रांजेक्शन किया है, तो मैं यहां पे 500 रुपए डाल दूंगा। फिर आपको डेट डालनी है। डेट आपको वही डालनी है जिस दिन आपने गलत ट्रांजेक्शन किया था। डेट आपको फोन पे गूगल पे एप्लीकेशन के हिस्ट्री में मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगी। याद रहे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ना कि मेरी। पहले वाली वीडियो में मेरी वाली ईमेल आईडी को डाल दिया था आप लोगों ने, इसीलिए इस बार मैं गलत ईमेल आईडी डाल रहा हूं। उसके बाद आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर याद रहे आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट यानी कि एंट्री डालनी है। अगर आपने पासबुक को एंट्री करवा रखी है तो आप यहां पे डाल सकते हो, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपने UPI के अलावा बैंक की किसी और साइट के जरिए पेमेंट किया है जिसमें UPI की जगह अकाउंट नंबर का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको अपने बैंक को एक एप्लीकेशन बनाकर भेजनी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। तो ईमेल के जरिए एप्लीकेशन कैसे भेजते हैं, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने जीमेल एप्लीकेशन के अंदर। तो जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कोने में कंपोज का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने बैंक का ईमेल डाल सकते हैं। सभी बैंकों के ईमेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाके भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। सब्जेक्ट डालने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कॉपी कर रखी थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आपको वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझना होगा। तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं कि डेट लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले जो है डेट डालनी है। डेट आपको वो डालनी है जिस टाइम आप ईमेल कर रहे हो, यानी कि आज ईमेल कर रहे हो तो आज की ही डेट आपको यहाँ पे डालनी है। डेट डालने से पहले आप यहाँ पे जो लाइन आ रही है उसको मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद आप डेट डाल सकते हैं, जिस प्रकार मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक की पासबुक यानी कि अपनी बैंक की डायरी खोल लेनी है और बैंक में जो भी नाम आपका रजिस्टर है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। आप जैसे जैसे फॉर्म को भरते जा रहे हैं वैसे वैसे जो लाइनें दिख रही है इनको मिटाते जाना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल डालना है। ये सभी आपका होना चाहिए और बैंक में रजिस्टर होना चाहिए। ऊपर वाले में सब कुछ आपकी डिटेल होनी चाहिए और नीचे वाले में सब बैंक की डिटेल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टू ब्रांच मैनेजर लिखा हुआ है। इसके नीचे आपको जो है बैंक का नाम डालना है, यानी कि आपको ये जो है पूरा मिटा देना है और डायरेक्ट आपके अपने बैंक का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो मेरे बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा नेम ऑफ द ब्रांच, यानी कि आपको जो है अपने गाँव का या अपनी सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है। ये डालने के बाद आपको जो है एड्रेस पे जाना है। एड्रेस अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली जाना है आपको गूगल पर। गूगल
पर जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने गांव का नाम और बैंक का नाम डाल देना है। फिर आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी बैंक बाजार वाली, उसके ऊपर आपको जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने बैंक की जो है सारी डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। जब भी आप बैंक की डिटेल निकाल रहे हो तो एक बार ध्यान रखना कि आपका बैंक का नाम सही होना चाहिए, स्टेट का नाम सही होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम सही होना चाहिए और आपका गाँव का नाम भी सही होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपका बैंक का नाम डालना है, उसके बाद आपको राज्य का नाम डालना है, उसके बाद आपको जिले का नाम डालना है, फिर आपके गांव का नाम या फिर आपके एरिया का नाम डालना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो है सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च के बटन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे IFSC कोड और सारी बैंक की जो है आपकी डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एड्रेस लिखा हुआ है मेरे बैंक का, तो सिंपली जो है आपको एड्रेस को कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद वापस अपनी एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे अपने एड्रेस को पेस्ट कर देना है। अब वापस ध्यान से सुनो, सबसे ऊपर आपका मेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपने बैंक का ईमेल डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्म लिखा है, यानी कि आपको जो है आपकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू लिखा है, यानी कि आपको अपने बैंक की डिटेल, आपके बैंक का एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, जिस तरह मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आपने पहला फॉर्म भर लिया है तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डियर सर मैडम लिखा है। अब यहाँ पे पूरा जो फॉर्म है आपको भरना होगा। कैसे भरना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अरे यार इस मोबाइल को हटाओ यार। हाँ, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि माय अकाउंट नंबर और IFSC लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है। आपको IFSC कोड पता नहीं है तो आप जो है पीछे वाली वेबसाइट जो कि मैंने बताई थी वहां से आप निकाल सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेट ऑफ ट्रांसफर लिखा हुआ है, यानी कि आपने किस तारीख को जो है गलत ट्रांजेक्शन किया था, आपको यहाँ पर वो डेट डाल देनी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मनी ट्रांसफर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने मतलब कितना पैसा जो है गलत ट्रांजेक्शन किया है आपको यहाँ पे डालना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे जो है 500 रुपए जो है ट्रांसफर हो गए थे गलत, तो मैं यहाँ पे 500 रुपए डाल दूंगा कुछ इस तरह से। अब चौथे नंबर का ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल नहीं डालनी है, उसकी डिटेल डालनी है जिसको आपने पैसा ट्रांसफर किया था। उसका नाम पता है तो ठीक है, आप नाम डाल सकते हो। यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट नंबर पे आपने पैसा ट्रांसफर किया था। यहाँ पे आप उसका IFSC कोड डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर की तरफ। तो पांचवें नंबर पर आपको डालना है ट्रांजेक्शन ID। ट्रांजेक्शन ID मैंने पहले भी बताया था कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री में मिल जाएगी, तो वहां से आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। ID डालने के बाद हम आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे जो है आपको आपका IFSC कोड डालना है। नंबर 6 में अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही डाले, ताकि इसी नंबर पर जो है आपका पैसा आपको वापस रिफंड मिलने वाला है। सिंपली बस इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन हो गया पूरा। उसके बाद आप यहाँ पे कोने पे देख सकते हो सेंड का बटन है, सिंपली आप अपने बैंक को ये एप्लीकेशन सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल इस वीडियो से लेकर या फिर रिफंड से लेकर या फिर बैंकिंग से रिलेटेड, तो आप जो है हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका जवाब तुरंत दे देंगे। और हाँ, अगर आपका रिफंड आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें खुशी होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।